लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद इंडिया गठबंधन में कई दौर की बैठक हुई थी और सूत्रों से खबर आई थी कि इंडिया गठबंधन ईवीएम पर जरूर सवाल खड़े करेगा, लेकिन बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई तो कांग्रेस ने ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठाया। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को ईवीएम में खोट दिखने लगी है। एनडीए गठबंधन को केंद्र में सरकार बनाए हफ्ता भर बीत चुका है। सभी मंत्रालयों का बंटवारा भी हो चुका है। पूरा मोदी मंत्रिमंडल अपने 100 दिन के एजेंडे में जुटा है, लेकिन कांग्रेस को सरकार ना बना पाने की टीस बार बार साल रही है। मोदी सरकार के गठन के हफ्ते भर बाद अब कांग्रेस पार्टी को ईवीएम में खोट दिख रहा है। एक्स पर कांग्रेस पार्टी ने एक पोस्ट किया। ईवीएम से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। मुंबई में एनडीए के कैंडिडेट रविंद्र वायकर के रिश्तेदार का मोबाइल फोन ईवीएम से जुड़ा था। एनडीए के इस कैंडिडेट की जीत सिर्फ 48 वोट से हुई है। ऐसे में सवाल है कि आखिर एनडीए के कैंडिडेट के रिश्तेदार का मोबाइल ईवीएम से क्यों जुड़ा था? यहाँ वोटों की गिनती हो रही थी, वहाँ मोबाइल फोन कैसे पहुँचा? सवाल कई है जो संशय पैदा करते हैं। चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के इस ट्वीट के बाद तुरंत राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर विवाद को आगे बढ़ाया और दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क का एक्स पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए एक अखबार का हवाला देकर कहा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी हो जाती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी महज 240 सीटों पर सिमट गई तो ईवीएम का मसला गायब हो गया। लेकिन अचानक राहुल गांधी ने ईवीएम पर हमला बोला तो भला अखिलेश कहां पीछे रहने वाले थे? उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट किया, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है तो दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं। तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है? ये बात भाजपा ही साफ करें। आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की अपनी मांग को हम फिर दोहराते हैं। ईवीएम में गड़बड़ी पर इंडी गठबंधन ने सुर छेड़ा तो सियासी विवाद अपने रफ्तार में आगे बढ़ चला है। सत्ता पक्ष ने भी लगाए गए आरोपों का पूरे दमखम के साथ जवाब दिया। अगर ब्लैक बॉक्स है तो उनको 99 सीटें कहाँ से मिल गई? जब उनको मिलती हैं सीटें तो ईवीएम अच्छा हो जाता है, जहाँ वो जीतते हैं तो ईवीएम अच्छा हो जाता है, जहाँ अन्य कोई दल जीतता है तो वहाँ वो ब्लैक बॉक्स हो जाता है। हिंदी की कहावत है, खिंचानी पिली खम्मा नीचे। यही स्थिति राहुल गांधी और कांग्रेस की है। जब जब वे चुनाव हारते हैं तो ईवीएम को ठीकरा फोड़ते हैं, जब वे चुनाव जीतते हैं तब वे ईवीएम की बात नहीं करते। लोकसभा चुनाव हुए तो अमेरिका समेत कई देशों में भारतीय लोकतंत्र की तारीफ हुई थी। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी भारत में हुए चुनाव की प्रशंसा की थी, क्योंकि नंबरों पर किसी भी दल ने कोई एतराज नहीं जताया था। लेकिन अब ईवीएम पर खड़े हुए विवाद ने सब कुछ धोकर रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।